बगावत जब मैंने किया था तब उनको लगा था कि हमको बहुत ऊंचा मिल जाएगा, और जब आज जब उन लोगों को पार्टी से निकाला गया जो माननीय काशीराम जी के ज़माने के हैं, तब आज उनको यह एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई चीज़ सुनने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही सूबे में सियासी उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के 11 विधायकों ने लखनऊ में अखिलेश यादव से उनके घर पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से अब इन विधायकों के सपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि बीएसपी विधायक असलम रायनी ने न्यूज 18 से कहा कि वो 12 विधायकों के साथ अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। विधायक जी हमारे साथ हैं, विधायक जी आपने हमसे बात भी की, लेकिन आपने कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से हमारी जो मुलाकात हुई काफी अच्छा सम्मान मिला, तो जब सम्मान समाजवादी पार्टी दे रही तो फिर पार्टी बनाने का क्या? पार्टी नियमानुसार अगर हम लोग अपना 12 लोगों के विधायकों की दल बना लेते हैं तो हम लोगों की विधायकों का जो एक निष्कासन होता है वो नहीं हो पाएगा। आज की डेट में अगर किसी पार्टी का मैं सदस्य बन जाता हूँ तो नियमानुसार मैं विधायक नहीं रह पाऊँगा, वो लोग फाइल शूट कर देंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग प्रयास में हैं कि हम लोगों की संख्या 12 हो और उसमें हम लोग एक अलग एक दल बनाएं। देखिए विधायक जी समय बहुत कम है, कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव है, तो इससे क्या होता है सदस्यता तो किसी समय भी जा सकती है ना। अगर मैं किसी पार्टी का सदस्य बन जाता हूँ तो मेरी सदस्यता चली जाएगी, और जब एक दल बना करके जाएंगे तो मेरी सदस्यता नहीं जाएगी। विधायक जी आपके पास 11 सदस्य हैं, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि 12 सदस्य भी आपके साथ आ जाएंगे? कॉन्फिडेंस है, अगर यही रवैया रहा तो बहुजन समाज पार्टी जो लोगों का मकसद है, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का मकसद है कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक खाक में ना मिला देंगे, मिट्टी में नहीं मिला देंगे, जब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। लेकिन वो लोग तो आप पे अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे, रामाचल राजभर हो या लालजी वर्मा। चलिए वो मैं उनसे कह दो कि गम और रंज पैदा ना करें, चमन से गुजरें तो मगर फूलों को रौंदा ना करें। हम तो पहली बार के विधायक हैं, और जो माननीय काशीराम जी के साथ के वो विधायक हैं रामाचल राजभर जी और लालजी वर्मा जी, उनको क्यों पार्टी से निकाला गया? वो तो इतने ईमानदार और इतने कर्मठ की एकलौता बेटा उनका जब मर गया और उन्होंने तरही तक नहीं किया और आकर के माननीय बहन जी के कामों में लग गए, ऐसे लोगों को तो एक मौका उनकी बात को तो सुनना चाहिए। वहीं सूत्रों की माने तो बीएसपी के 12 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका सौंपी है। उन्होंने इस पत्र के जरिए खुद को एक नई पार्टी की पहचान दिए जाने की मांग रखी। सदन में बीएसपी के पास 18 विधायक थे, 9 को पिछले साल बर्खास्त किया गया था। इनमें से 5 विधायकों ने सपा का दामन थामा, लेकिन सभी यादव खेमे में शामिल नहीं हुए थे। दरअसल हाल ही में मायावती ने बीएसपी नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी से निकाल दिया था, जिसकी वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। दोनों ही अति पिछड़ी जातियों के बड़े चेहरे थे, इसके अलावा ये बीएसपी के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल थे। ऐसे में पार्टी के 11 विधायकों का अखिलेश से मुलाकात करना यूपी में एक नए सियासी समीकरण का संकेत दे रहा है, चुनाव में जिसका खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ सकता है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने यह बात कही। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, हम छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन किया था। सपा और बसपा ने एक साथ मिलकर प्रदेश की 80 सीटों में से 76 पर चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों के गठबंधन ने 4 सीटें बाकी पार्टियों के लिए छोड़ दी थी। चुनावी नतीजों की बात की जाए तो गठबंधन से सबसे बड़ा फायदा बीएसपी को हुआ था, उसे इस चुनाव में 10 सीटें मिली, जिसका 2014 के लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को झेलना पड़ा था, उनकी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें ही मिली थी। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल ने 62 लोकसभा सीटें जीती थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा को 5 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। बसपा इस चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। ऐसे में पिछले चुनाव में हुए भारी नुकसान का आकलन करके ही अखिलेश यादव अब आगे का सफर अकेले ही तय करना चाहते हैं। कई जानकार अखिलेश के असिस्टेंट को एक चुनावी रणनीति मान रहे हैं,
जो उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में एक संजीवनी देने का काम कर सकती है।